माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग रोसरी माला का आनंद का भेद इन दिनों में मनन चिंतन करते हुए आए। बीते चार दिन में चार रहस्यों पर मनन चिंतन किया। आज पांचवा भेद प्रभु ईसा मसीह का 12 साल की उम्र हो गया। उस समय पर माता पिताओं के साथ प्रथा के अनुसार हर साल जाते थे पर्वों में। इस 12 साल की उम्र में भी जब गया, ईसा मसीह माता पिता के अनजाने में मंदिर में ठहरते। 3 दिनों के बाद मंदिर में पाते हैं। इसके बाद माता पिताओं के साथ नासरत आकर के उनके अधीन रहा। इस पर हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले बात है, ईसा मसीह ईश्वर है। ईश्वर को मनुष्य के अधीन रहने की क्या जरूरत है? क्या वो ईश्वर है? बाइबल में लिखा हुआ है वो माता पिता के अधीन रहा, लोगों के अधीन रहा, इसलिए ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बड़ा करके। क्या ईश्वर को मनुष्य के अधीन रहने की जरूरत है? आज के मनन चिंतन में हम लोग उसका उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह को मंदिर में पाने के घटना लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में, लूक चैप्टर 2 वर्स 41-52। तो हम लोगों ने अब तक आनंद के 5 भेद को मनन चिंतन किया। पांचों भेद में हम लोगों ने बाइबल का पाठ को ही मनन चिंतन किया। इसका मतलब रोसरी प्रार्थना बाइबल का मनन चिंतन प्रार्थना है, बाइबल का मनन चिंतन प्रार्थना। बीती क्लास में भी मैंने बोला, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक यदि आपके पास नहीं है तो मंगाइए। कलीसिया के नियम के अनुसार बनाया हुआ एक अच्छा किताब है। उसके अंदर प्रार्थनाएं हैं, विशेषकर ये जो रोजरी प्रार्थना मनन चिंतन के साथ कैसे मनन चिंतन करना है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, उसी रीति में बनाया हुआ है। और दूसरी बात है, उसके अंदर धर्म शिक्षाएं हैं, बहुत सारी बातें जो हमारे क्रिस्तीय विश्वास के लिए जरूरी है, सीखना जरूरी है। हर हाथ में, हर बच्चे के हाथ में एक एक किताब दीजिए, और पारिवारिक प्रार्थना में सबके हाथ एक एक किताब रखकर के सब मिलकर के उस किताब से प्रार्थना कीजिए। आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे का जीवन बदल जाएगा। एक शुरू कीजिए। अनेकों घरों में पारिवारिक प्रार्थना अभी तक नहीं शुरू किया। 2017 में इस किताब का पब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य ये था, हिंदी भाषी जगहों पर लोग अच्छी तरह प्रार्थना नहीं कर पा रहा है और उनके पास प्रार्थना के एक अच्छा प्रॉपर किताब नहीं है। हमने अपने बचपन से केरल देश में ऐसे किताब को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते आया, इसीलिए उसके उस सुंदरता, वो मिठास, परिवार मिलकर के कैसे प्रार्थना करता है, उसको पारिवारिक प्रार्थना मिलकर के एक साथ प्रार्थना करने के लिए, जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत मिलकर के प्रार्थना करते, इसी प्रकार प्रार्थना करने का एक तरीका है पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर। एक किताब मंगाइए, आप मेरे व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भेजिए, अब उसी एड्रेस में आपके घर में किताब आएगा। हर एक घर में ये किताब हो ताकि आपका विश्वास बढ़े। और रोजरी के विषय में उसके इतिहास, उससे क्या क्या लाभ है, सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है।
बहुत ही सुंदर किताब, एक भी पेज उसके अंदर बेकार का नहीं है, सब सीखने जानने वाली चीज। छोड़िए, इस पांचवा भेद में हम लोग मुख्यतः ये मनन चिंतन करेंगे, ईसा मसीह ईश्वर होकर के माता पिता का अधीन क्यों रहा, और इस ईसा मसीह को खो जाना, तीन दिन के बाद मंदिर में पाना, मुक्ति कार्य में इसका क्या अर्थ है? क्योंकि रोजरी माला ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन है। इस घटना मुक्ति कार्य के साथ क्या संबंध है? सबसे पहले उसी को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को जब मंदिर में माता पिता ने तीन दिनों के बाद पाया। ये तीन दिन कहां की ओर इशारा करते हैं? ईसा मसीह के मृत्यु के बाद दफनाया, तीसरा दिन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ईसा मसीह शरीर के साथ जी उठा। ईसा मसीह को तीन दिन के बाद पाना, इसका मतलब वहां की ओर भी एक इशारा है। तो माता पिता ने देखा वो मंदिर में शास्त्रियों के साथ बैठ करके कुछ सवाल उनसे कर रहा है और उनके सवालों का जवाब दे रहा है, और लोग ये सुनकर के तारीफ कर रहा है। ये 12 साल का एक बालक है और वो इतना प्रज्ञापूर्ण बातें कर रहा है। अभी ये 12 साल का आपको क्या मालूम है उसका क्या महत्व है? यदि यरूशलेम मंदिर में माता पिता के साथ जो बच्चे जाते हैं, बच्चों का 12 साल तक का जो बच्चे, उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं, मम्मी के साथ बैठना पड़ता है, मम्मी के साथ बैठना पड़ता है, स्त्रियों के स्थान पर बैठना है। वो गुरुओं के पास जाकर के शिक्षा नहीं ले सकता, कोई ऐसा ऐसा कई यहूदियों में कई बंदिश है। लेकिन एक बच्चा 12 साल का हो जाता है, इसका मतलब कुमार बन गया, तब से पिता के साथ बैठ सकता है। अभी ये 12 साल है, पिता ने सोचा मम्मी के साथ है, मम्मी ने सोचा पिता के साथ है, लोग चल पड़े। तीन दिन के बाद फिर फाइंड आउट कर रहा है, ये पीछे का कारण ही है। ये 12 साल के उम्र ये सीखने का और उसे पुरुषों के साथ बैठने का अनुमति जो मिलने वाला समय, इसलिए 12 साल जब होते ही वहां मंदिर में वो शास्त्रियों से सवाल कर करके सीखना शुरू किया, और उन लोग उल्टा कुछ सवाल करते हैं, ईसा मसीह उसका बहुत अच्छा उदाहरण बोल रहे और जवाब देते जा रहे। ये सुनकर के सब चकित होता हुआ हम लोग वहां पर पाते हैं, और वहां पर माता मरियम को कुछ जवाब देता हुआ, आप मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? क्योंकि मां मरियम जाकर के बोला, आपने बेटा आपने ऐसा क्यों किया, देखो तो तुम्हारा पापा और मैं कितना दुखी होकर के तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो ईसा मसीह ने पूछा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या आपको मालूम नहीं था मैं मेरे पिता के घर पे होऊंगा? ध्यान से सुनना, ईसा मसीह ने उत्तर दिया, आपको क्या मालूम नहीं था मैं मेरे पिता के घर। अर्थात ईसा मसीह को उस 12 साल के उम्र में एक ज्ञान था कि वह ईश्वर है, उनका असली घर यहां है, ईश्वर का निवास स्थान है वो मंदिर। सबसे पहला अपने बारे में उनको एक ज्ञान था, उनका ईश्वरीयता का वो आइडेंटिटी वो जान रहा था, और वो किस कार्य के लिए मनुष्य बनकर के आया वो उनको मालूम था। उनका वो मिशन के विषय में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। अगर हम लोग देख सकते हैं उस बालक अवस्था 12 साल से अपने मिशन कार्य की ओर वो अग्रसर होना शुरू किया। उस लाइफ को एक्चुअली 30 साल तक का जो उम्र है उसको प्राइवेट लाइफ कहते हैं। कई लोग
हिडन लाइफ बोलते हैं, वो गलत शब्द है। मुझे हमारा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर वेड़ो लिखा है हिडन लाइफ कर करके, लेकिन एक्सप्लेन तो प्राइवेट लाइफ का लिखा है, लेकिन उस शब्द को वहां इस्तेमाल किया हुआ है हिडन लाइफ। इंग्लिश में हिडन लाइफ ही लिखा हुआ है वहां पर कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, मेरे हाल में 532 ऐसा कुछ संख्या के अंदर है हिडन लाइफ कर करके। वो एक्चुअली हिडन लाइफ नहीं है, प्राइवेट लाइफ। इसके बाद वो पब्लिक लाइफ में गया, ये होना चाहिए, क्योंकि वहां उस उम्र में क्या क्या हो रहा था, उनका शरीर और बुद्धि में विकसित होता जा रहा था, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ रहा था, ये लिखा। इसका मतलब वो हिडन लाइफ नहीं था, छुपा हुआ लाइफ नहीं था, बल्कि उनका प्राइवेट लाइफ था। वो पब्लिक लाइफ में नहीं दिखला था, सीखने का, अनुग्रह आशीष में बढ़ने का, माता पिताओं का सेवा करने का, इस प्रकार एक मनुष्य का किस प्रकार जीवन जीना है, उसी प्रकार जीवन जीते हुए मनन चिंतन प्रार्थना भक्ति का एक प्राइवेट लाइफ, पर्सनल जो लाइफ, जो ज्यादा अपने को तैयारी करने का एक लाइफ बना रहा था। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 531 से 34 तक यही बात हम लोगों को सिखा रहे हैं। और कैटेकिज्म 583 में 583 में ईसा मसीह मंदिर को इतना अधिक रेस्पेक्ट आदर दे रहा है जैसे वो ईश्वर का निवास स्थान है, उस आदर सम्मान को भी हम लोग इस घटना में देख सकते हैं। ईसा मसीह को मंदिर में पाने का, इस घटना का कुछ ईसा शास्त्र की ओर भी हम लोग देख सकते हैं। ईसा मसीह में ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव, ये दो स्वभाव को, नेचर्स को यहां पर हम लोग पर कर देख सकते हैं। चाहे वो ज्ञानपूर्ण बातें शास्त्रियों के साथ करना, एक छोटा सा 12 साल का लड़का इतना अधिक ज्ञान पूर्ण बातें करना, वहां पर हम लोग एक डिवाइन नेचर को देखते हैं। ईश्वर को मेरे पिता और पिता का घर, ये सब बोल करके वो अपना डिवाइन नेचर को दिखा रहा है। और एक साधारण बालक के समान सवाल करते हुए या अपने माता पिता के अधीन रहते हुए हम लोग मानसिक स्वभाव को भी देख सकते हैं। दूसरी बात, अपने जीवन में स्वर्गीय पिता को पहला स्थान देने वाला एक पुत्र के रूप में यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तीसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा, तीसरा दिन प्रभु को मंदिर में पाना, 3 दिनों तक खोना, ये ईसा मसीह के मृत्यु दफन विधि और इसके बाद उस स्वर्ग जी उठने का एक फोरशैडो बोल सकता है, यहां पर हम लोग वो देख सकते हैं। अगला, ईसा मसीह स्वयं मंदिर है। योहन का सुसमाचार अध्याय 2:19 से आगे 21 तक का अगर वचन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह मंदिर के विषय में कहते हैं, इस मंदिर को डाव में 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, ये सब बोल करके ईसा मसीह स्वयं ईश्वर का मंदिर है कर करके ये हम लोग यहां सीख सकते हैं। अगला एक और बात, जिस प्रकार माता पिता बच्चों बेटे को ढूंढ रहा था, दुखी हो करके 3 दिनों तक उन्हें ढूंढता रहा, यहां पर हम लोग हर एक पेरेंट्स के लिए कुछ सीखने के लिए है।
ईसा मसीह के लिए उनको ढूंढने में उनका वो जो उत्सुकता, वो आग्रह, वो दर्द यहां पर हम लोग परख सकते हैं। ईसा मसीह खो गया ये सोच करके उनका दुख को हम देख सकते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों का आध्यात्मिक उन्नति का कार्य करना चाहिए। बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, और बच्चे और माता पिता के बीच में एक अच्छा हेल्थी रिश्ता होना बहुत ही जरूरी है। एक भी बच्चा नष्ट ना हो इसके लिए माता मरियम और संत योसेफ के समान एक उत्सुकता हरेक के मन में होना जरूरी है। बच्चों के प्रति माता पिता का जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए। और बच्चों का केवल आत्मिक या केवल भौतिक के बातें नहीं, बल्कि आत्मिक एवं भौतिक कार्यों को देखना माता पिताओं का कर्तव्य है। और साथ ही साथ एक और घटना हम लोग अपने जीवन में उतार सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2:51 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम ने यह सब कुछ अपने हृदय में संचित रखा। सब कुछ अपने हृदय में संचित रखना, उस पर मनन करना, ये माता मरियम के एक स्वभाव हम लोगों को भी अपनाने की जरूरत है। बाइबल के वचन, प्रभु के कार्य, चलते फिरते मनन करना और उसके अनुसार बच्चों का पालन पोषण करना, उनको सिखाना, यह हर एक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। माता मरियम का इस प्रकार का ध्यानात्मक जीवन, कंटेम्पलेशन प्रेयर लाइफ हम लोग अपनाना जरूरी है। साथ ही साथ जैसे माता पिता यीशु को ढूंढा, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सदा प्रभु को खोजने का, मेरे साथ, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में प्रभु है, ये इंश्योर करना जरूरी है। यदि हम लोग वचन के अनुसार देखेंगे, कुछ बातें ट्रेडिशनली और कुछ बातें लिखित, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह स्वयं स्क्रिप्चर सीखा और स्क्रिप्चर से सवाल जवाब कर रहा है, और ईसा मसीह स्वयं कुछ ट्रेडिशन को अपनाया। जैसे माता पिता हर साल मंदिर जाता था, वो प्रथा के अनुसार, ये लिखा है प्रथा के अनुसार, उनके आदत के अनुसार, उनके ट्रेडिशन के अनुसार ईसा मसीह भी उनके साथ जाना आना, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, उसके अनुसार जो कुछ उनके कुटुंब में जो ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा था, विशेषकर यहूदियों में, ईसा मसीह ने उनका अनुसरण किया। एक पूर्ण मनुष्य होकर के यदि वो अनुसरण किया है तो हमें भी इस प्रकार जीने की जरूरत है। अभी एक महत्वपूर्ण बात, ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और ईसा मसीह जानता भी है। हम लोग इस पाठ से ये सीख लिया, ईसा मसीह जान रहा है कि वो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, और उनका कुछ विशेष मिशन है, इसको वो जान रहा है। इसके बावजूद बाइबल में लिखा हुआ है वह अपने माता पिता के अधीन रहा। ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया, उनका शरीर और बुद्धि का विकास होता रहा और ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ रहा। इसकी क्या जरूरत है, एक अच्छा सवाल है। ईसा मसीह को ईश्वर होकर के माता पिता के अधीन रहने का क्या जरूरत है? ईसा मसीह को मनुष्य का अनुग्रह
आशीष लेने का क्या जरूरत है। इसको यदि हम समझ ले, हम भी अपना जीवन इसी प्रकार समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले ईश्वर के 10 नियम में चौथा नियम लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेगिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 532 के अंदर यह वर्णन किया हुआ है। ईसा मसीह ये जो चौथी आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना, ईसा मसीह ने उसी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि ईसा मसीह एक पूर्ण मनुष्य भी है, पूर्ण रूप से मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य स्वभाव भी उनमें है। इसलिए हरेक मनुष्य अपने माता पिता का आदर करना, उनके अधीन रहना, उनसे झगड़ना नहीं, उनको गालियां नहीं देना, मारना पीटना, हत्या तक कुछ लोग करते हैं। उनके लिए एक उदाहरण है ईसा मसीह का जीवन, सबसे पहला ये आज्ञा का पालन करते हुए। सेकंड बात, ईसा मसीह का मनुष्य रूप धारण करना, शब्द देह धारण करना अर्थात इनकार्नेशन, जब तक ईसा मसीह अपने माता पिता या अन्य लोगों के अनुग्रह में आशीष में उनके अधीन नहीं रहेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इनकार्नेशन का सही मतलब तब निकलेगा, वो एक साधारण बालक के समान मां के गर्भ से लेकर के प्रसव के बाद इसी प्रकार एक साधारण मनुष्य के समान वो भी बढ़ते जाए। ये है जो इनकार्नेशन का सबसे बड़ा मिस्ट्री रहस्य। तीसरा पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं, ईसा मसीह ने स्वयं कहा, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29। ईसा मसीह का वो विनम्रता को प्रभु यहां पर प्रकट कर करके देते हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग ये बोल सकते हैं, ईसा मसीह का ये परिवार में या माता पिता के अधीन समर्पण उस परिवार का पवित्रीकरण है। केवल उसी परिवार का नहीं, इसी के द्वारा प्रभु सभी परिवारों को पवित्र किया। और ये जो वैवाहिक के जीवन में किस प्रकार संतानों की सृष्टि होना और एक कुटुंब एक परिवार बनकर के किस प्रकार प्रार्थना का भक्ति का जैसे वो होली फैमिली बनता है ना, उसी प्रकार हम लोग होली फैमिली के फीस्ट में भी इसी भाग को अधिकतर समय पर मनन चिंतन करते हैं। होली फैमिली का फीस्ट में यही भाग आनंद का पांचवा भेद ईसा मसीह को मंदिर में पाना और वहां पर वो होली फैमिली हम लोग देख रहा है। पांचवा, इसी के द्वारा ईश्वर के स्वभाव को प्रकट भी करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। वो ईश्वर होकर के मनुष्यों की सेवा करना, उनके अधीन रह करके ईश्वर का सही स्वभाव उन्होंने दिखाया। हम लोग जैसे फोटो वगैरह में देख रहे सिंहासन में राज करते हुए बैठने वाला ईश्वर के समान, ऐसा ईश्वर नहीं है। ये हम लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए सब ऐसे ऐसे फोटो ऐसे ऐसी बातें हम लोगों को सिखा रहा है, लेकिन सचमुच में ईश्वर कौन है? वो सदा मनुष्यों के कार्य में व्यस्त है, सेवा करने वाले। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं आया सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने वाला, मनुष्यों के प्यार में, मनुष्य के हर कार्य के लिए सेवा में लगे हुए ईश्वर का एक प्रतीक ईसा मसीह में हम लोग देखते हैं। अगला एक और पॉइंट हम लोग ये भी देख सकता है, ईसा मसीह में जैसे ईश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव
इन दोनों स्वभाव एक व्यक्ति में किस प्रकार वो बैलेंस कर करके जी रहा है इसको दर्शा रहा है। उसका अर्थ समझने के लिए सबसे अच्छा है, कई महिलाएं नौकरी भी करते हैं, घर को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। कई बार मैंने सुना है कई लोग पूछते हैं ऐसे ऐसे महिलाओं से, आप कैसे मैनेज करते हैं, एक अच्छा गृहिणी भी बन रहे हैं और नौकरी भी कर रहा है, ये सब कैसे मैनेज कर रहा है। हाँ संभव है, कुछ लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग चुपचाप हंसते सब कार्य करते रहेगा। इस प्रकार ईसा मसीह ने यह दर्शाया, वो स्वयं ईश्वर होकर के ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव अब उनमें किस प्रकार वो बैलेंसिंग किया। जहां मनुष्य के अधीन रहना वहां मनुष्य के अधीन, जहां ईश्वर की बुद्धि और ज्ञान का प्रदर्शित करना था वहां उन्होंने वो भी किया। इस प्रकार अगला पॉइंट ये है, ईसा मसीह मनुष्य बनकर के हर एक मनुष्य को एक एग्जाम्पल सेट किया है। हर मनुष्य किस प्रकार एक सोसाइटी में, एक परिवार में रहना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार ईश्वरीय नियम का पालन करना, आध्यात्मिकता का जीवन कैसे निभाना है, माता पिता का आदर सम्मान कैसे करना है, एक सोसाइटी में किस प्रकार जीना है, ये ईसा मसीह ने अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित किया। ये कैसे संभव था, मैंने इससे पहले भी एक क्लास के अंदर एक शब्द सिखाया था, केनोसिस। केनोसिस माने मैंने उस समय पर बोला था अपने को खाली करना। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2:6-8 यही लिखा है, केनोसिस। वो ईश्वर होकर के ईश्वर के बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने उस जगह को, उस कार्य को खाली कर दिया अपने को विनम्र करने के लिए, एक मनुष्य जैसे, एक साधारण मनुष्य जैसे बनने के लिए। जैसे यर्दन नदी के अंदर पापी लोग आकर के पश्चाताप के बपतिस्मा ग्रहण कर रहा था, मसीह ने अपने को काली किया, ईश्वर होकर के उन्होंने अपने को काली किया, ईश्वरत्व को काली कर करके साधारण एक मनुष्य जैसे, एक पापी जैसे वहां आकर के बपतिस्मा ग्रहण करता। वो पापी नहीं था, उनको पश्चाताप की बपतिस्मा भी जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने को काली किया। इसको कहते हैं केनोसिस, प्रभु ने यह प्रदर्शित किया। तो आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा आनंद का पांचवा भेद के अंदर, प्रभु ईसा मसीह मंदिर में खो जाते हैं, 3 दिन के बाद माता पिता मंदिर में उन्हें पाते हैं, उसका क्या आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में इसका महत्व क्या है, और ईश शास्त्र के अनुसार इसका क्या अर्थ है, हमारे लिए उदाहरण के तौर पर क्या क्या इस घटना से उतार सकता है, और ईसा मसीह स्वयं ईश्वर होकर के ईश्वरत्व और मनुष्यत्व ये दोनों को किस प्रकार बैलेंस कर करके जिया, ये सब इन घटनाओं में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपने संसार में एक उदाहरण सेट किया, उस उदाहरण के अनुसार हमें भी जीने की शक्ति दीजिए। आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को मंदिर में पाते हैं, 12 साल की उम्र में माता पिताओं के साथ प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर गए, पर्व समाप्त होने के बाद माता पिता लौटे, उनके अनजाने में ईसा मसीह मंदिर में ठहरा। 1 दिन के यात्रा के बाद माता पिताओं को पता चला बेटा साथ में नहीं है, वे लोग वापस यरूशलेम जाते हैं। 3रे दिन मंदिर में शास्त्रियों के साथ बातें करता हुआ पाया, उनका प्रज्ञापूर्ण बातें सुन करके सब लोग चकित हो रहा था। मां मरियम ने बेटे से पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, देखो तो हम दुखी हो करके।
तुम्हारा पिता और मैं दुखी होकर के तुझे ढूंढ रहे थे। ईसा मसीह ने पूछा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आपको मालूम नहीं है मैं पिता के घर में होऊंगा? पिता का कार्य शुरू करने का उम्र आ गया, 12 साल। हम प्रार्थना करें, हमारे परिवार को समर्पित करें, विशेष रूप से हमारे बच्चों को समर्पित करें। प्रभु ईसा मसीह के समान हमारे संतान भी ईश्वरीय भक्ति में, ईश्वरीय ईश्वर के घर को प्यार करने वाले और ईश्वर वचन के अनुसार जीने वाले, ईश्वरीय ज्ञान में भर करके पवित्र जीवन जीने वाला बन जाए। माता पिता का आदर करने वाले, उनके अधीन रहने वाले बच्चे अपने शरीर में बुद्धि में विकसित होता आए, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में अन्य लोगों के लिए उदाहरण जीवने वाला बच्चे बन जाए। परिवार के हर एक बच्चे को याद कीजिए, निसंतान दंपतियों को भी याद कीजिए, उन्हें भी संतान के आशीर्वाद मिले। ईसा मसीह 9 महीनों तक एक माँ के गर्भ में रह करके जन्म लिया, इसके पुण्य फलों के द्वारा, और ईसा मसीह एक परिवार में रह करके उस परिवार को अनुग्रह आशीष दिया, इसके पुण्य फलों के द्वारा हरेक माता पिता को संतानों की आशीष मिले और वो संतान माता पिताओं के अधीन रहे। प्रार्थना कीजिए सभी दंपतियों को संतान की आशीर्वाद हो और सभी संतान, सभी बच्चे ईश्वर के अधीन रहकर, माता पिता के अधीन रहकर जीने वाला बने। सब बच्चों पर ईश्वरीय ज्ञान बरसाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय ईश्वर।